तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि UGSC का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और वो मई में चालू हुआ था, 15 मई से, ठीक है। 15 मई से 10 जून तक लास्ट डेट है उसका। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को बहुत तरीके का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वो बिहार के तो प्रॉपर है ही, ठीक है, लेकिन किसी रीजन से आप बाहर रह के पढ़ रहे हो, जैसे गुजरात बोर्ड से हो या फिर सिक्किम बोर्ड से हो, कोई भी अलग अदर बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है, अदर स्टेट में रह रहे हो, अदर बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी सारे बोर्ड का 12 या 10th का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। 12 का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया मेरा रिजल्ट नहीं आया तो कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है, जो बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या फिर जिन बच्चों का अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया है, ठीक है, 12 का रिजल्ट या फिर 12 का डॉक्यूमेंट नहीं आया, उनको डर लग रहा था कि मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, ठीक है, UGSC ने बढ़ा दिया है और 10 तारीख से करके, ठीक है, आज मतलब कि लास्ट डेट था इसका, ठीक है, आज डेडलाइन था, इसको चेंज करके 21 तारीख को कर दिया गया। तो मतलब कि 11 दिन का रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। और आपका मतलब 20 तारीख तक है, ठीक है, लास्ट पेमेंट सबमिट पेमेंट करने का ऐसे डेट है, तो 21 तारीख तक ही हम लोग मानेंगे कि लास्ट डेट है, ठीक है। 20 तारीख तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे, मतलब कि 11 दिन का डेट बढ़ा दिया गया, 11 दिन एक्स्ट्रा कर दिया गया है, जिसमें से आपको अभी मन में क्वेश्चन होगा कि भैया जो 10 तारीख को अप्लीकेशन सबमिट हो रहा था, मतलब कि लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का 10 तारीख तक, और फिर 12 से 13 तारीख के बीच में हम लोग एडिट कर सकते थे, कोई भी अगर गलती कर किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो क्या ये 12 से 13 तारीख के बीच में फिर से हो पाएगा ये चीज़? नहीं बच्चा, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ का भी टाइम बदल दिया गया है। अगर आप अभी तक, ठीक है, जो 15 मई से जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और 20 तारीख तक जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई भी गलतियाँ अगर आप करते हैं तो आपको एडिट करने का जो टाइम दिया गया है 22 तारीख से 23 तारीख के बीच में दिया गया है। 22 तारीख से 23 तारीख के बीच में आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो UGSC का रैंक कार्ड जो है वो 25 तारीख को आएगा। कब आएगा? 25 तारीख को आएगा। तो 25 तारीख को आएगा तो आप लोग का मन में क्वेश्चन होगा कि भैया चॉइस फिलिंग का भी डेट तो पहले तो नहीं आया था, फिर भी हम लोग सोच रहे थे लगभग कि 25 तारीख को होगा, ठीक है, लेकिन अब कब होगा, ठीक है। देखो, 25 तारीख को जब अब UGSC का रैंक कार्ड ही आएगा तो आपको लगभग जुलाई के 10 तारीख तक, ठीक है, जुलाई के 10 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगा और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।